हे गाइस, दिस इज प्रीति, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, आज हम बात करने वाले हैं 2016 हॉलीवुड थ्रिलर द बैटवेन के बारे में। कहानी स्टार्ट होती है डॉक्टर जैन के साथ। वो एक फेमस साइकियाट्रिस्ट है, साथ में एक ऑथर और एक आरजे भी। अपने रेडियो शो में वो रिलेशनशिप एडवाइस देती है जो लोगों को काफी पसंद आता है। लेकिन एक दिन एक ललित नाम की लेडी उसे कॉल करती है और अपने पर्सनल प्रॉब्लम्स के लिए जैन को कोसने लगती है। उल्टा सीधा एलिगेशन डालती है उसके ऊपर, कहती है जैन फेक है। जैन किसी तरह सिचुएशन को संभाल लेती है, मगर जैसे ही वो स्टूडियो से बाहर निकलती है, ये लेडी फिर से वायलेंटली उस पर हमला कर देती है। इस बार जैन को पता चलता है ये लिलित असल में और कोई नहीं, उसकी अपनी बहन केसी है। केसी मेंटली डिस्टर्ब्ड है और वो जैन से बेइंतहा नफरत करती है, इतनी कि अगर कभी मौका मिले तो वो जैन को जान से ही मार डालेगी। उसके वायलेंट बिहेवियर को देखते हुए रेडियो स्टेशन वाले उसे पुलिस में देना चाहते थे, मगर जैन नहीं। इंस्टेड वो केसी के लिए प्रॉपर ट्रीटमेंट की अरेंजमेंट करती है, बेस्ट डॉक्टर, बेस्ट फैसिलिटी, जहां वो जल्दी से रिकवर कर सके। मगर केसी फैसिलिटी में वापस जाना नहीं चाहती, उसके बिना उसके बेटियों का क्या होगा। जैन के दिमाग में भी यही सवाल आ रहा था, तो वो फाइनली उन्हें अपने पास रखने की डिसीजन लेती है। अगले ही दिन वो जाती है केसी के घर उसके ट्विन डॉटर्स क्वीन और ओलिविया को मिलने। घर के हालत से पता चल रहा था यहाँ कोई नॉर्मल इंसान नहीं रह सकता। ये तो लड़कियां भी काफी सहमे से लग रही थी, जिनसे बहुत सालों बाद मिल रहे थे ये लोग। जाए से उसके घर जाने में कंफर्टेबल फील नहीं कर रहे थे, उन्हें अपनी माँ वापस चाहिए। जैन उन्हें प्रॉमिस करती है केसी ठीक हो जाएगी, मगर उसमें वक्त लगेगा, तब तक उन्हें जैन के साथ ही रहना होगा उनके सेफ्टी के लिए। उसी दिन से वो लोग जैन के घर में रहने लगते हैं। ये घर बहुत ही सुंदर, एक महल जैसा है। जैन उनके लिए दो अलग कमरा अलॉट करती है, उनके हर एक जरूरत का ख्याल रखती है वो। मगर इन लड़कियों का रिस्पॉन्स बहुत ही अजीब था, शायद जैन के जेनरोसिटी उनसे सहन नहीं हो रही थी। पहले तो इतना सुंदर घर देखकर खुश होने की जगह वो जैन को टॉन्ट करती है, उसके पास कितना पैसा है, वो कितने रिच है, ये सब। और फिर दोनों को अलग कमरा दिया गया है देखकर ओलिविया अज्यूम कर लेती है कि जैन उनके फैमिली को तोड़ना चाहती है, जबकि जैन सिर्फ उन्हें कंफर्टेबल फील करवाना चाहती थी। उसे कैसे पता होगा ये लोग एक ही कमरा शेयर करने में यूज्ड टू है। जैन उनके बातों का बुरा नहीं मानती, किसी भी नए चीज को अपनाने में वक्त तो लगेगा। जैन उन्हें अपने चाइल्डहुड के बारे में बताती है, जिससे हमें पता चलता है जैन और केसी की परवरिश एक ब्रोकन फैमिली में हुई थी। उनका पिता अब्यूसिव थे, कोई काम नहीं करते थे और माँ भी कुछ खास नहीं थी, हमेशा अपने बॉयफ्रेंड्स को लेकर बिजी रहती थी और वो मेंटली अनस्टेबल भी थी। जैन और केसी को खुद ही अपना ख्याल रखना पड़ता था। उनकी माँ हमेशा से जैन को ज्यादा पसंद करती थी, क्योंकि वो हमेशा से लविंग एंड केयरिंग थी और केसी इग्नोरेंट। उसे अपना कोई दोष नहीं दिखता था, तो उसके नजर में ये पार्शियलिटी थी। जैसे जैसे दिन गुजरते रहे, उसके दिल में नफरत बढ़ने लगी अपने माँ के प्रति, बहन के प्रति। जैन का इतना सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, फेम उसे बर्दाश्त नहीं हुआ। अपने चाइल्डहुड ट्रॉमा से वो कभी बाहर निकल नहीं पाई, उसे जिंदगी में कुछ नहीं मिला, ना कोई प्यार करने वाला, ना पैसा, तो जैन कैसे इतनी खुश रह सकती है। ये तो नाइंसाफी है। जेलसी के कारण ही उसका दिमाग और बिगड़ गया और अभी तो वो कम्प्लीटली आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी है। जैन अपनी पूरी कोशिश कर रही थी इन दोनों लड़कियों को एक नॉर्मल लाइफ देने के लिए, लेकिन ये लड़कियां बहुत ही अजीब है। वो लोग कमरे से ज्यादा वक्त क्लोजेट में बिताते हैं। असल में पिछले कुछ सालों में उन दोनों ने बहुत कुछ देखा है, बहुत कुछ सहा है, तो उन्हें जैन का ये जेन्युइन एफर्ट भी फेक लग रहा था। उन्हें लग रहा था इस जैन का कोई इविल पर्पस है, वो इंटेंशनली उनके माँ से उन्हें दूर कर रही है। नेक्स्ट डे जैन अपने फियांसे केविन से उनकी मुलाकात करवाती है, साथ में ये गुड न्यूज भी देती है कि कल सभी मिलकर केसी से मिलने जाएंगे, मगर उसे वहां 3 महीने रहना होगा। सुनकर ओलिविया और क्वीन दोनों ही अपसेट हो जाते हैं। ओलिविया तो ऐसे बिहेव करने लगती है ऐसे जैन उसे किसी तरह की पनिशमेंट दे रही। हड़बड़ी में एक ग्लास भी टूट जाता है उनसे। तब तो और कुछ नहीं होता, जैन उन्हें और डिस्टर्ब नहीं करती, मगर उसी शाम एक हादसा होता है। जब जैन और केविन बाहर बैठकर बातें कर रहे थे तो जैन का हाथ कट जाता है कांच के टुकड़ों से। जैन को समझ नहीं आता ये कांच यहाँ कैसे आया, इसे तो सुबह ही फेंक दिया गया था। घाव उतना गहरा नहीं था, मगर केविन का शक गहरा था, इन टुकड़ों को जरूर इन लड़कियों ने ही काउच पर रखा होगा। जैन को भी कुछ गड़बड़ लग रहा था, लास्ट 2 दिन में उसके साथ कुछ ना कुछ होता ही जा रहा। जैसे कल रात किचन के टॉप शेल्फ से चिप्स का पैकेट उठाते वक्त उसका लैडर टूट गया था, जबकि ये लैडर बिल्कुल ही नया है।
मेजर कुछ तो नहीं हुआ मगर हो सकता था। नेक्स्ट डे वो लोग सभी जाते हैं केसी को विजिट करने। केसी अपनी बेटियों से तो ठीक से बात करती है मगर जेन को देखते ही वायलेंट हो जाती है। डॉक्टर से बात करने पर जेन को पता चलता है केसी बहुत अनस्टेबल है, उसके अंदर सुसाइड और होमिसाइड दोनों ही टेंडेंसी है। लेकिन सिर्फ वो ही क्यों, शायद उसके बच्चे भी अबनॉर्मल है या फिर उनका कोई हिडन एजेंडा है। रात के अंधेरे में हम देखते हैं ओलिविया और क्वीन जेन के घर से वैल्यूएबल चीजें चोरी करके जमीन के नीचे छुपा रहे थे। जेन को सब पता चल रहा था, घर से सामान गायब हो रहे थे उसे नजर आ रहा था, फिर भी वो चुप थी। लेकिन उस दिन जब एक मॉइस्चराइजर अप्लाई करते वक्त उसके हाथ जलने लगते हैं और डॉक्टर कहते हैं ये केमिकल बर्न है, तो मैटर सीरियस होने लगता है। ये केमिकल इतना स्ट्रॉन्ग है उसके हाथ में परमानेंट नर्व डैमेज हो सकता है। जेन एक बहुत ही सेंसिटिव पर्सन है, उसे कई तरह के एलर्जीज है, तो उसे लगा था ये भी किसी तरह की एलर्जी होगी। मगर बाद में वो खुद ढूंढ निकालती है कि उसके क्रीम में पूल एसिड मिला गया है, कि उन लड़कियों के सिवा और किसका काम हो सकता है। उसके बेस्ट फ्रेंड गेल इन चीजों को बहुत सीरियसली ले रही थी, लेना ही चाहिए। हो सकता है उन लड़कियों को जेन पसंद नहीं, मगर वो जेन को हार्म कैसे कर सकते है, ये तो क्रिमिनल एक्टिविटीज है। वो जेन को अपने घर में हिडन कैमरास इंस्टॉल करने के लिए कहती है। भले ही जेन का मन नहीं मानता, वो लड़कियां उसकी अपनी बच्ची जैसी है, मगर सेफ्टी कम्स फर्स्ट, इसीलिए वो उसी दिन घर में चारों तरफ कैमरास लगा देती है। इन लड़कियों के दिमाग में क्या चल रहा है उसे जानना ही होगा। मगर वो जो नहीं जान पाती वो ये है कि ये लड़कियां खुद से कुछ नहीं कर रही, बल्कि उनकी मॉम उनसे करवा रही है। ये सब केसी का प्लान है, अपने बेटियों को इस घर में भेजना, उनसे चोरी करवाना, जेन को हार्म करवाना, सब कुछ। केसी बिल्कुल भी पागल नहीं, वो तो नाटक कर रही है। वो धीरे धीरे जेन से उसका सब कुछ छीन लेगी। उसी रात वीडियो कॉल में केसी अपने बेटियों को एक नया इंस्ट्रक्शन देती है, वो भी कुछ इस तरह से कोड लैंग्वेज में कि ना उसके अटेंडिंग नर्स को कुछ पता चलता है, ना इधर जेन को, उन्हें जेन का विल ढूंढना होगा। उसी रात ओलिविया और क्वीन अपना काम स्टार्ट कर देते हैं। जेन का ऑफिस से ढूंढ निकालती है उस विल को और उसकी फोटो खींच लेती है, और इस प्रोसेस में वो दोनों हिडन कैमरा के सामने भी आ जाते हैं। लेकिन ओलिविया डरती नहीं, सिंपली उस कैमरा को घुमा देती है और जाकर सो जाती है। नेक्स्ट डे जेन स्टूडियो जाते वक्त इन दोनों को साथ ले जाती है। दोनों ही बहुत नॉर्मल बिहेव कर रहे थे, जैसा कुछ हुआ ही नहीं। मगर जेन को तो ये सब कुछ, ये फुटेज दिख चुका था। वो गेल को भी दिखाती है। ये दोनों ही समझ नहीं पा रहे थे वो दो लड़की इतनी डेस्परेट कैसे हो सकती है और क्यों। सिचुएशन हाथ से बाहर निकल जाए इससे पहले ही गेल ओलिविया और क्वीन को किसी सोशल सर्विस के पास भेज देने के लिए कहती है। मगर उसे तो पता ही नहीं ये ओलिविया कितनी चालाक है, वो स्टूडियो का स्पीकर ऑन करके उनकी सारी बातें सुन लेती है। वैसे वो जेन से नाराज थी, उसके विल में उनकी कोई जिक्र नहीं, ना उनकी माँ की है। जेन तो अपने मौत के बाद अपना सारा पैसा किसी चैरिटी में डोनेट करने वाली है, और अभी ये गेल उन्हें घर से बाहर निकालने की तैयारी में है। उन्हें कुछ तो करना होगा। पता नहीं उसे क्या सोचती है, मगर वो डायरेक्टली जाकर गेल और जेन को उन्हें घुमाने ले जाने के लिए कहती है बीच पर। इससे पहले भी एक बार वो लोग गए थे, तब तो ओलिविया को उतना मजा नहीं आया था। इस बार वो खुद से कह रही है, इसका मतलब उसके दिमाग में जरूर कोई प्लान है। जेन और गेल इतना कुछ समझ नहीं पाए, वो नेक्स्ट डे ही लड़कियों के साथ बीच पर जाकर हाजिर हो गए। इसके बाद जेन निकल गई वॉक पे एज यूजुअल, और गेल लड़कियों के साथ सनबेथिंग के लिए सेटअप करने लगी। ओलिविया कुछ ज्यादा ही अच्छा बिहेव कर रही थी, क्वीन को शक तो हो रहा था मगर कुछ पूछने की हिम्मत उसे नहीं हुई। ओलिविया उसे सनब्लॉक लाने के लिए भेजती है और गेल से कहती है रिलैक्स करने के लिए। गेल भी खुशी खुशी सो जाती है, उसे क्या पता था ये उसका डेथ बेड होने वाला है। कुछ ही देर के अंदर वो नोटिस करती है समुन्दर का पानी तेजी से उसके तरफ आ रहा है। गेल डर जाती है, वो खुद से हिल तक नहीं पा रही थी, तो वो ओलिविया से कहती है उसे बाहर निकालने के लिए। मगर ओलिविया भी अपने फुल प्रूफ प्लान को बर्बाद करेगी, यही तो उसका प्लान था। वो वहां से निकल जाती है और पानी में डूब कर गेल की मौत हो जाती है। क्वीन को भी पता नहीं चलता। जब जेन उनसे पूछती है तो ओलिविया कहती है उसने तो गेल को कहीं नहीं देखा, शायद वो लौट गई होगी। लेकिन जब जेन को गेल का फोन अपने कार में मिलता है और शाम तक उसका कोई पता नहीं चलता, तो वो पुलिस में कंप्लेन करती है और पुलिस को गेल की लाश मिलती है उसी बीच से। सबको लग रहा था ये एक्सीडेंट है क्योंकि गेल अच्छी स्विमर नहीं थी, मगर क्वीन को सब कुछ समझ आ चुका था। बाद में वो ओलिविया को कन्फ्रंट करती है। ओलिविया कन्फेस तो कर लेती है मगर वो बिल्कुल भी गिल्टी फील नहीं कर रही थी, बल्कि वो क्वीन को उसका साथ देने के लिए कहती है। अभी भी बहुत काम बाकी है।
नेक्स्ट डे वो लोग अपने माँ से मिलने जाते हैं और केसी को जेन का विल दिखाते हैं। केसी बहुत ध्यान से सब कुछ पढ़ती है। उसे एक पॉइंट दिखता है इस विल में। अगर जेन ने कभी अपनी कोई फैमिली बनाई तो मरने के बाद उसकी प्रॉपर्टी उसके बच्चों को मिलेगी, किसी चैरिटी को नहीं। यही मौका है। केसी अपने बच्चों को जेन को मैनिपुलेट करने के लिए कहती है। उसके सामने खुद को हेल्पलेस नीडी दिखाने के लिए कहती है, जिससे जेन को उन पर दया आ जाए और वो उन्हें अडॉप्ट कर ले। क्विन को ये सब बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में वो जेन को पसंद करने लगी थी। मगर ओलिविया अपने माँ के हर एक ऑर्डर का पालन करती है। वो बिल्कुल अपनी माँ की ही तरह क्रिप्टिक है। वो अपने कन्वेंसिंग एक्टिंग से जेन के दिमाग में अडॉप्शन का आइडिया इंड्यूस कर देती है। बात को कुछ इस तरह से प्रेजेंट करती है उसके सामने, एज इफ उन्हें अपने माँ से डर लगता है, उनके पास वापस जाना नहीं चाहते। जेन पर उनके सेफ्टी को लेकर परेशान थी। वो केविन से इस बारे में डिस्कस करती है। केविन उसके भावनाओं को समझ पा रहा था, मगर उसे ये लड़कियां कुछ ठीक नहीं लगती। कहीं वो जेन का फायदा उठाना तो नहीं चाहते। ओलिविया छुपके से उन पर नजर रख रही थी। केविन की बातें उसे पसंद नहीं आती। ये बंदा उनके प्लान को बर्बाद कर सकता है, इसका कुछ तो करना होगा। तो नेक्स्ट डे सुबह सुबह वो क्विन को लेकर निकल जाती है मशरूम्स लाने, मगर उठा लाती है फंगस, हाईली पॉइजनस। इस चीज को वो केविन के खाने में मिलाने वाली है। क्वीन तो उसके हैवानियत को देखकर डर जाती है। वो ओलिविया को मना भी करती है, मगर ओलिविया उल्टा उसे ही धमकाती है, वो अपना मुंह बंद रखे तो अच्छा होगा। क्वीन और कुछ कह नहीं पाती, मगर डिनर के वक्त वो केविन के प्लेट से इंटेंशनली मशरूम्स उठाकर खाती है। ओलिविया के मना करने पर भी नहीं रुकती, क्योंकि ये फंगस नहीं सच में ही मशरूम्स है, उसने पहले ही बदल दिया था। ओलिविया बहुत नाराज हो जाती है, क्वीन ने तो उसके ऑलमोस्ट सक्सेसफुल प्लान को बर्बाद कर दिया। एनीवेज इससे कुछ फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि जेन अपना डिसीजन ले चुकी थी। वो अगले ही दिन केसी से मिलने जाती है और अडॉप्शन फॉर्म में साइन करने के लिए कहती है। केसी तो अंदर ही अंदर बहुत खुश हो रही थी, यही तो वो चाहती थी। मगर ऊपर से वो खुद को नाराज दिखाती है, चिल्लाती है जेन पर, वो उससे उसके बेटियों को छीनना चाहती है। लेकिन ज्यादा देर नहीं, जेन के और एक बार बोलने पर ही केसी मान जाती है, साइन कर देती है फॉर्म पर। और दो दिन के अंदर ही सारे लीगल फॉर्मेलिटीज पूरे हो जाते हैं। अभी ऑफिशियली क्वीन और ओलिविया जेन की बेटी बन चुकी थी। सभी बहुत खुश थे, भले ही अलग अलग रीजन से, लेकिन इस खुशी को सेलिब्रेट करने के लिए जेन डिसाइड करती है कि वो लोग कल ही मिलकर कहीं घूमने जाएंगे, केसी भी। उनका आधा प्लान पूरा हो चुका था, अभी सिर्फ एक ही स्टेप बाकी है, जिसकी तैयारी ओलिविया करने लगती है। क्वीन देखती है वो गार्डन के एक कोने में बैठकर एक वुडन बॉक्स में कुछ पैक कर रही है। क्वीन उससे पूछती है क्या है, मगर ओलिविया नहीं बताती। वो क्वीन पर और ट्रस्ट नहीं कर पा रही थी। पहले ही काम पूरा हो जाए, उसके बाद उसे अपने आप ही सब कुछ पता चल जाएगा। इसके कुछ देर बाद ही सभी निकल पड़ते हैं। केसी और जेन अच्छे मूड में थे, वो लोग अपने पास्ट को लेकर बातें करने लगते हैं। और बातों बातों में ही अचानक केसी वायलेंट हो जाती है। वो फिर से अग्रेसिवली बिहेव कर रही थी। अपने लाइफ के सारे लॉसेस के लिए वो अभी भी जेन को ही जिम्मेदार मानती है। तभी ओलिविया उसे अपना बॉक्स हैंडओवर करती है और केसी उस बॉक्स को जोर जोर से हिला के ओपन कर देती है जेन के सामने। हम देखते हैं इस बॉक्स में एक मधुमक्खियों का झुंड था। वाइब्रेशन की वजह से वो वायलेंटली जेन पर हमला कर देते हैं। जेन इनसे हाईली एलर्जिक है। वो किसी तरह गाड़ी रोक के वह खुले हवा में निकल जाती है सांस लेने के लिए, लेकिन तब तक उसकी सांसें फूलने लगी थी। अभी दवाई के बिना उसका जिंदा रहना इम्पॉसिबल था। यही केसी और ओलिविया का प्लान था। अभी जेन और बस कुछ ही मिनट का मेहमान है, उसके बाद उसका सब कुछ ओलिविया और क्वीन का हो जाएगा, इनडायरेक्टली केसी का भी। जेन को मरते देख केसी और ओलिविया बहुत खुश हो रहे थे, मगर क्वीन नहीं। वो इतनी स्टोन हार्टेड नहीं हो सकती। उसने पहले ही गेस किया था ऐसा ही कुछ होने वाला है, इसीलिए वो जेन की दवाई अपने साथ लेकर आई थी। वो छुपके से जेन को वो दवाई दे देती है और अपने माँ और बहन के साथ निकल जाती है। उनके जाने के बाद ही जेन खुद को इंजेक्शन लगा के रिकवर कर लेती है, मगर उधर क्वीन को बहुत डर लग रहा था। अगर ओलिविया को पता चल गया तो गड़बड़ हो जाएगा। मगर उसका चेहरा और उसके बातों से ओलिविया को आइडिया लग ही जाता है उसने कुछ किया है। ट्विन से अपने बहन को वो बहुत अच्छी तरीके से जानती है, तो गुस्से में पागल होकर वो क्वीन पर हमला कर देती है, मारने लगती है वो क्वीन को। केसी इन दोनों को संभाल नहीं पाती और इस चक्कर में उनके गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है। गाड़ी में आग लग चुकी थी। जेन किसी तरह गिरते पड़ते उस स्पॉट पे जा पहुंचती है और क्वीन और ओलिविया को बचा लेती है, मगर केसी की स्पॉट डेथ हो चुकी थी।
नेक्स्ट सीन में हम पहुंच जाते हैं 8 महीने बाद। इतने दिनों से ओलिविया और क्वीन दोनों को ही एक फैसिलिटी केयर में रखा गया था, उनकी ट्रीटमेंट चल रही थी। क्वीन पहले से काफी बेहतर हो चुकी है, उसे समझ आ चुका है उसकी माँ और बहन जो कर रहे थे वो गलत था। जेन उनकी वेल विशर है, उसके साथ वो अच्छी रहेगी। मगर ये सादा सच ओलिविया समझ नहीं पाई। अपने ही बनाए हुए दलदल में फंस चुकी है वो, बिल्कुल अपनी माँ की तरह। फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन और पैनिक के कारण वो अपनी सैनिटी कम्प्लीटली खो चुकी है। अभी बाकी का जीवन उसे यहीं पर बिताना होगा, क्योंकि जिसके अंदर पॉजिटिविटी का नामो निशान नहीं है उसका रिकवर करना नामुमकिन है, एटलीस्ट मुश्किल तो है ही। दोस्तों ये कहानी यहीं पर एंड हो जाती है। मुझे ये कहानी पर्सनली पसंद आई, आपको ये वीडियो कैसी लगी राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बहुत जल्द मिलते हैं किसी और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा।